नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का सवाल है. क्वेश्चन सेज 200 वॉट सोडियम स्ट्रीट लैंप एमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर. अज्यूमिंग इट टू बी 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट. सवाल है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट इट एमिट्स पर सेकेंड विल बी, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं. नाउ बहुत बेसिक सवाल है, आसान सवाल है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो आपकी एनर्जी जो आएगी उसको आप लिखोगे एच सी बाय लैम्डा की टर्म में. सो इसको आप लिख सकते हैं, एनर्जी होगी अगेन यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा. आप एंगस्ट्रॉम में लिखें आपकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी यहाँ पे आपको मिल जाएगी. नाउ दिस, यहाँ पे जो अपना लैम्डा अपने को दे रखा है वो दिया हुआ है, लैम्डा जो दिया है वो है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6 मीटर माइक्रोमीटर में. इसी को जब हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को 10^-4 से मल्टीप्लाई करो, और 10^4 से -4 और +4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाइड बाय 10^-10. तो ये आपका 600 एंगस्ट्रॉम बन गया. ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 600. ये आपका एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. नाउ इसकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी अपनी एनर्जी जो आ गई, दैट विल बी इक्वल टू, दो जीरो कट गए, ये बचा 62 डिवाइडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ इसको जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एनर्जी हो जाएगी 62/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6×10^-19 जूल. ये आपकी एनर्जी हो गई. नाउ अब अपने को ये पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, उसको आप लिखेंगे आपकी टोटल पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ एक फोटॉन जो है उसकी. नाउ यहाँ जो अपने को पावर दे रखी है वो पावर दी है अपने को 200 वॉट. तो 200 वॉट पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, ये आपकी वैल्यू आ गई. इसको आप लिखेंगे 62 मल्टीप्लाइड बाय 1.6×10^-19 और मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर ले जाते हैं. नाउ ये जो 200 की पावर है ये अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पे हम यूज़ करें 25%, यानी कि इसको 1/4 भी कर सकते हैं. 25% मतलब 25/100 करेंगे तो 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, बस ये 1.6 है, बस अब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. सो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आएगा आपका, चलो इसको डेटा में से लिख लेते हैं 1.4, एक काम करते हैं इसको 25/100 ही लिख लेते हैं. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 20 तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2×36 और उसको 25 से मल्टीप्लाई करके आपका बन गया 150 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाइड बाय 1.6×10^-90 ये आपकी वैल्यू बनेगी. सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपनी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो आ जाती है आपकी 1.5×10^-90 होएगा. सो ये +20 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर.